मंदिर चो पूजा करके वापस आ रही महिला दी हुई मौत। रस्ते दे विच पिकअप गड्डी ने मारी भयानक टक्कर। ता दस दे के मंदिर दे विचो पूजा करके वापस आ रही शीला नाम दी महिला नू पिकअप गड्डी ने भयानक टक्कर मारी है ते टक्कर दे नाल महिला दी मौत हो गई है। सूचना तो बाद मौके ते पुलिस दी टीम पहुंचती है ते लाश नू कब्जे दे विच लेके पोस्टमार्टम दे लई हस्पताल भिजवा दिता जांदा है। तो दस दे के मृतक के परिवारक मैंबर के बयान के आधार पर पिकअप गड्डी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है ते अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दस दे के हादसे तो बाद गड्डी का चालक मौके तो फरार हो जाता है। तो दस दे के पूरा मामला गहाना तो सामने आया जिथे मृतक के परिवारक मैंबर ने दसिया कि महिला रोजाना मंदिर के पूजा करन दे ली जांदी सी। कल शाम जदों वह पूजा करके वापस घर आ रही सी तां इन्ने नू रोड दे उत्ते एक पिकअप गड्डी ने उसनू टक्कर मार दित्ती जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। तो पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज कर लिया ते अगली कार्रवाई शुरू कर दित्ती है। तो पुलिस हुण सीसीटीवी दे आधार ते गड्डी चालक की भाल कर रही है जो कि हादसे तो बाद मौके तो फरार हो गया सी। मंदिर जाते हैं ताई जी डेली, रात को मंदिर हो के वापस आ रहे थे। विश्वकर्मा कॉलोनी जो बोलते हैं वहाँ बिल्कुल गली से बाहर ही निकले थे। सामने से पिकअप वाला आ रहा था, डीजे वाली, उसने सीधी टक्कर मारी और मौके पे खत्म हो गए। क्या नाम थे? शीला रानी। इनकी 66 साल। रहते क्या हैं? सेक्टर 7 गुहाना में। तो भाग गया वो, उसका नंबर वगैरह सब मिल गया है लेकिन अभी फिलहाल वो फरार है। गाड़ी नंबर फुटेज में आया हुआ है, गाड़ी की पहचान हो रही है, बंदे की शक्ल पहचान में आ रही है लेकिन अभी वो फरार है। आपका नाम? मेरा नाम विजय है सर, मेरे ताई जी थे। ये मैम रोड पे दीप सेंट्राली के पास हुई है। शीला रानी वाइफ ऑफ सुंदर श्याम, सेक्टर 7 निवासी है। और ये डीजे वाली गाड़ी थी, उसने टक्कर मार दी। मंदिर से पूजा करके आ रही थी शाम को 7:45 PM पर। क्या कार्रवाई की? FIR दर्ज कर दी, पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी वारसान के वाले कर रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्र होगी इनकी? 66 ईयर। तो जो डिजिट वाला गाड़ी वो फरार है, वो गाड़ी लेके भाग गया हुआ, अभी अरेस्ट कर लेंगे। पहचान हो गई? हाँ, पहचान कर लिया वो। मंदिर चो पूजा करके वापस आ रही महिला दी हुई मौत। रस्ते दे विच पिकअप गड्डी ने मारी भयानक टक्कर। तो दस दे के मंदिर दे विचो पूजा करके वापस आ रही शीला नाम दी महिला नू पिकअप गड्डी ने भयानक टक्कर मारी है ते टक्कर दे नाल महिला दी मौत हो गई है। सूचना तो बाद मौके ते पुलिस दी टीम पहुंचती है ते लाश नू कब्जे दे विच लेके पोस्टमार्टम दे लई हस्पताल भिजवा दिता जांदा है। तो दस दे के मृतक के परिवारक मैंबर के बयान के आधार पर पिकअप गड्डी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है ते अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दस दे के हादसे तो बाद गड्डी का चालक मौके तो फरार हो जाता है। तो दस दे के पूरा मामला गहाना तो सामने आया जिथे मृतक के परिवारक मैंबर ने दसिया कि महिला रोजाना मंदिर के पूजा करन दे ली जांदी सी। कल शाम जदों वह पूजा करके वापस घर आ रही सी तां इन्ने नू रोड दे उत्ते एक पिकअप गड्डी ने उसनू टक्कर मार दित्ती जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। तो पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज कर लिया ते अगली कार्रवाई शुरू कर दित्ती है। तो पुलिस हुण सीसीटीवी दे आधार ते गड्डी चालक की भाल कर रही है जो कि हादसे तो बाद मौके तो फरार हो गया सी। मंदिर जाते हैं ताई जी डेली, रात को मंदिर हो के वापिस आ रहे थे। विश्वकर्मा कॉलोनी जो बोलते हैं वहाँ बिल्कुल गली से बाहर ही निकले थे। सामने से पिकअप वाला आ रहा था, डीजे वाली, उसने सीधी टक्कर मारी और मौके पे खत्म हो गए। क्या नाम थे? शीला रानी। इनकी 66 साल। रहते क्या हैं? सेक्टर 7 गुहाना में। तो भाग गया वो, उसका नंबर वगैरह सब मिल गया है लेकिन अभी फिलहाल वो फरार है। गाड़ी नंबर फुटेज में आया हुआ है, गाड़ी की पहचान हो रही है, बंदे की शक्ल पहचान में आ रही है लेकिन अभी वो फरार है। आपका नाम? मेरा नाम विजय है सर, मेरे ताई जी थे। ये मैम रोड पे दीप सेंट्राली के पास हुई है। शीला रानी वाइफ ऑफ सुंदर श्याम, सेक्टर 7 निवासी है। और ये डीजे वाली गाड़ी थी, उसने टक्कर मार दी। मंदिर से पूजा करके आ रही थी शाम को 7:45 PM पर। क्या कार्रवाई की? FIR दर्ज कर दी, पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी वारसान के वाले कर रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्र होगी इनकी? 66 ईयर। तो जो डिजिट वाला गाड़ी वो फरार है, वो गाड़ी लेके भाग गया हुआ, अभी अरेस्ट कर लेंगे। पहचान होगी? हाँ, पहचान कर लिया वो।